बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं YouTube फैमिली? आई होप के आप भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी, सेहत और कामयाबी अता फरमाएं। आज मैं बनाने लगी हूँ मटन, जो ऑयल के बगैर है। इसमें ऑयल नहीं ऐड करना, और जिन लोगों को ऑयल अच्छा नहीं लगता वो ये मटन बना के खा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं एक स्टिक दालचीनी की ऐड करने लगी हूँ। उसके बाद ये बड़ी इलायची है, 2 अदद, और उसके बाद ये मटन ऐड करने लगी हूँ। ये 1 kg मटन है, देखिए। उसके बाद इसमें ये लहसुन है, कुछ जवे है, ये ऐड करने लगी हूँ। देखें, और उसके बाद मैं प्याज ये 1/2 kg है तकरीबन, ये ऐड करने लगी हूँ। और इसको अच्छी तरह हमने भूनना है, ऑयल जो है इसके नज़दीक भी नहीं करना। ये देखिए, इसके बाद टमाटर, ग्रीन चिल्ली और अदरक ऐड करने लगी हूँ। अभी जो है हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया है, और इसमें मैंने तकरीबन 1/2 ग्लास जो है ये पानी का ऐड किया है, ताकि ये गल जाए। देखिए व्यूअर्स, अभी मैं कुकर को खोलने लगी हूँ, वेट उठाने लगी हूँ, और देखें इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, पानी जो है हो गया। और अभी मैं इसमें रेड वाली मिर्च 1/2 टीस्पून ऐड करने लगी हूँ। अगर आपने मिर्च को बगैर के खाना है वो भी खा सकते हैं। इसमें इलायची और दालचीनी की इतनी नाइस खुशबू आ रही है। देखिए, 1/2 टीस्पून जो है मैं नमक का ऐड करने लगी हूँ, और बहुत ही ये बहुत जो है ना भी नाइस है। देखिए, इसमें बिल्कुल किया। देखिए व्यूअर्स, इसको मैं मटन जो है ये मेरा रेडी हो गया। इसको तकरीबन मैंने 10 मिनट भूनना है, और भूनते टाइम ना मैंने इसमें ऑयल ऐड की है, ना मैंने पानी ऐड किया है, और इतना नाइस इसका कलर भी हो गया है। देखिए व्यूअर्स, हमारा मटन जो है ये रेडी हो चुका है, जो मैंने ऑयल के बगैर बनाया है। और जो मटन ऑयल में बनाते हैं ये उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बना है। ये देखिए, इसका कलर भी इतना नाइस है। और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।